Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. Guys, in a previous lecture हमने start किया था अपना chapter number 7, last chapter जो कि पहला chapter है जिसे मैं last में करवा रहा हूँ. So इसे हम study कर रहे थे and हमने cover किया था ये वाला SLO 7.1 जिसमें हमने discuss किए थे कि problem क्या होती है और उसके solve करने के कौन से 5 stages या steps होते हैं. Okay? So if you want to watch that video, kindly go to description. आपको पूरे playlist की link मिल जाएगी जहाँ से you can access all the videos जो कि मैंने अभी तक upload किए हैं. आज हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और हम जाते हैं algorithm की side. आप है ना आजकल social medias use कर रहे हैं, so है ना जो Instagram या YouTube वगैरह पे या Snapchat वगैरह पे videos वगैरह या snaps वगैरह भेज रहे हैं या ऐसे रील्स वगैरह पे हैं, तो वो ये वर्ड जानते होंगे एल्गोरिथम के ना. आप अगर कोई चीज यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, तो यूट्यूब का शॉर्ट्स का जो एल्गोरिथम है वो ऐसा है, अगर आप इस तरह से है ना शॉर्ट्स सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपकी शॉर्ट्स ना ज्यादा स्पीड में है ना क्या कहेंगे वायरल हो जाएगा. सो एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है आपके यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है. सो एल्गोरिथम अब होता क्या, ऐसे वर्ड आपने इंस्टा पे स्नैप पे भी सुने होंगे या फेसबुक पे भी सुने होंगे. अब होता क्या है ये, सो यही सवाल आपका एसएलओ कह रहा है डिफाइन करो. तो डिफाइन करते हैं इस भाई को कि एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक होती है या एक ऐसा मेथड होता है या एक ऐसा वे होता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, सो इसकी डेफिनेशन बुक में जो है वो रीड कर लेते हैं. सेम ही होगी जो मैंने जबानी बताई, यहाँ पे आपको जस्ट विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ. हियर यू गो, कहता है एल्गोरिथम मींस मेथड है या कोई प्रोसीजर है या कोई टेक्निक है या प्लान है. और आगे कहता है एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक ऐसा मेथड है जो कि स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है. ओके, एंड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, जिससे है ना समझना और है ना फॉलो करना, उसके मुताबिक चलना आसान हो जाता है. एक और चीज, एल्गोरिथम और प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ओके, एंड प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये डिफरेंस है. ओके, एल्गोरिथम होगा तो आप प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं. ओके, एल्गोरिथम मतलब एक आसानी कर देता है हमारे लिए प्रोग्राम बनाने के लिए. देखिए, हम एल्गोरिथम बना देते हैं तो हम स्टेप्स बना लिख लेते हैं कि पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा, देन मैं इनपुट लूंगा, देन मैं ये वाली कैलकुलेशन करूंगा, सपोज है ना मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देन मैं डिसीजन लूंगा. अब ये डिसीजन मल्टीप्लाई वगैरह क्या है सब इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एल्गोरिथम की डेफिनेशन आई होप क्लियर है कि एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है जो कि है ना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट आपका एसएलओ आ जाता है 7.2.2 के डिस्क्राइब द फॉलोइंग फॉर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन एल्गोरिथम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपको ये सब कुछ पता है कैसे. इफ यू रिमेम्बर हमने प्रोग्रामिंग की भी एंड आप वो वीडियोस देख चुके हैं, सो अच्छा है. इनपुट क्या होता है, इनपुट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपके पास यूजर कंप्यूटर को देता है. ओके, हमने क्या कहा, बातें करते हैं हम. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बातें ही कर रहा हूँ. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ना कम्युनिकेट टू मी डायरेक्टली. ओके, अगर व्हाट्सएप या कमेंट्स में चाहें तो यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट टू मी. हमने कंप्यूटर से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, जिसके लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए हैं. ओके, अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है, और दूसरा बोलता है, वापस पहला सुनता है. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाऊं और दूसरा अपनी बात मेरे तक पहुंचाए. अब मैं फर्स्ट पर्सन हूं और दूसरा बंदा जो है मेरा कंप्यूटर है. अब मैं जो चीज कंप्यूटर को कह रहा हूँ दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जो मेरा कंप्यूटर मुझे कह रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट. सो विद दिस आपकी इनपुट और आउटपुट की कंफ्यूजन हो गई क्लियर. इनपुट वो वैल्यू जो कंप्यूटर को आप दें, और आउटपुट वो वैल्यू जो आपके पास कंप्यूटर आपको दिखाए स्क्रीन पे या स्पीकर के थ्रू सुनाए. ओके, अब आती है प्रोसेसिंग की बात.
प्रोसेसिंग में आपके पास सारी की सारी कैलकुलेशंस का काम आ जाता है, और हमने दो पॉइंट्स देखे थे हमारे पास, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग में कि इनिशियलाइजेशन होती है और डिक्लेरेशन होती है। सो इनिशियलाइजेशन भी हम प्रोसेसिंग में करते हैं, साथ ही साथ हमारे पास कैलकुलेशन का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा प्रोसेसिंग में होता है। ओके, कैलकुलेशन कैसे कि मुझे एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, या मुझे ना डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने, वो सारे के सारे कैलकुलेशन में आ जाते हैं, और कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है प्रोसेसिंग में। सो प्रोसेसिंग ऑल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन या कैलकुलेशंस या कैलकुलेटिंग मटेरियल्स। डिसीजन, डिसीजन आप कब लेते हैं, जब आपके पास दो ऑप्शंस हो या दो से ज्यादा ऑप्शंस हो। और दो तीन ऑप्शंस हमने कंप्यूटर में कहाँ पे प्रोवाइड किए थे, इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रोवाइड किए थे कंट्रोल स्ट्रक्चर में, है ना, प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने सीखे थे, जिसमें हमने इफ एल्स एल्स इफ एंड स्विच सीखा था। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ से आप प्लेलिस्ट की लिंक ले सकते हैं जहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो हमने देखा जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हो और कंप्यूटर को डिफरेंट ऑप्शंस के बेस पे एक डिसीजन लेना है, ओके, तो वो आपका कहलाता है डिसीजन, जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हो और उन ऑप्शन में से बेस ऑन द करेक्ट ऑप्शन या बेस ऑप्शन आपका कंप्यूटर जो डिसीजन ले, दैट इज कॉल्ड डिसीजन। ओके, सो आगे आता है आपका 7.2.3। अब इसमें ना आपके पास 8 प्रॉब्लम्स गिवन है। ओके, कहता है इनके एल्गोरिथम्स बनाओ। सो मैं सिंपल ये करूंगा, इनमें से एक का भी एल्गोरिथम नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पे। रीजन ये ना आपके बुक में बने हुए, मैं एक और एल्गोरिथम आपको बना के दे रहा हूँ सिंपल सा, तो आई गेस वो भी बुक में गिवन ही होगा। खैर मैं ना वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो हम लिख रहे हैं एल्गोरिथम। ओके, क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एल्गोरिथम। ओके, टू फाइंड द वेट, ओके, या टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो उसका ही टॉपिक में लेके आ गया। अब मुझे लिखना है इसका एल्गोरिथम। ओके, अब एक और चीज मुझे ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला के वेट या का फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुए कि मैं तो सिंपल, पहले तो मुझे करना है स्टार्ट। ओके, मैं जूम इन कर देता हूँ, आई होप इट इज क्लियर, और इसकी मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज। सो पहले तो मैं करूंगा स्टार्ट, फाइन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लूंगा, इनपुट। तो मैं कहता हूँ इनपुट द वेरिएबल। ओके, अब मुझे क्या पता है, देखो मुझे क्या चाहिए, मास। ओके, और मास के लिए मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो मुझे ना मास चाहिए, एम चाहिए, तो मुझे ए और एफ गिवन होना चाहिए। तो इनपुट द वेरिएबल्स एफ, और ब्रैकेट में लिख लो एफ मतलब फोर्स। ओके, जो आपका एल्गोरिथम रीड कर रहा होगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, ब्रैकेट में अगर आप है ना लिख रहे हैं, एंड एंड ए। ओके, ए को मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन। ओके, तो मैंने इनपुट ले लिया, मैंने पहले क्या किया, स्टार्ट करो पहले। तो दूसरे ऑप्शन में मैं क्या कह रहा हूँ, यूजर को कह रहा हूँ भाई इनपुट डालो कि मुझे ना बताओ फोर्स कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है। ओके, आगे आ जाओ। तो अब थर्ड ऑप्शन पे आ गए, थर्ड में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कैलकुलेट करो। ओके, कैलकुलेट करो। अब मैं ऐसे फॉर्मूला दे रहा हूं कि एम जो है, एम इज इक्वल टू ना, एम इज इक्वल टू ऐसा भी कह सकते हो अब, ऐसा मैं ना इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैंने एम को है ना डिक्लेयर नहीं किया। सो मैं ऐसा करता हूँ, कैलकुलेट करो एफ, ओके, डिवाइड बाय ए। ओके, कैलकुलेट एफ डिवाइड बाय ए, एंड
स्टोर कर दो उस वैल्यू को इन द वेरिएबल एम। तो यहाँ पे मैंने एम को इनिशियलाइज भी कर दिया इस स्टेप पे। मैंने क्या कहा भाई, कैलकुलेट करो एफ की वैल्यू को ए से डिवाइड करो एंड जो वैल्यू आए उसको स्टोर कर दो वेरिएबल एम के अंदर। ओके, तो उसे मैंने कर दिया वेरिएबल एम के अंदर स्टोर। अब मैं फोर्थ स्टेप क्या कह रहा हूँ, प्रिंट कर दो एम को एंड फाइव स्टेप में क्या कह रहा हूँ, स्टॉप कर दो। तो मैंने एक बेसिक सा सिंपल सा एक है ना आपके लिए प्रोग्राम बनाया, एल्गोरिथम बनाया, जिसमें मैंने क्या किया कि मुझे फाइंड करना है मास, और मेरे को ये फॉर्मूला पता है न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। सो मैंने क्या कहा, पहले तो स्टार्ट करो, सेकंड में ना इनपुट डालो, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको मास चाहिए तो आपको एक्सेलरेशन एंड फोर्स का पता होना चाहिए। तो मैंने यूजर को कहा भाई फोर्स और एक्सेलरेशन मुझे बताओ, मैं आपको मास बता दूंगा। तो मैंने क्या कहा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या करेगा, एफ डिवाइड बाय ए करो एंड जो वैल्यू आए उसे स्टोर कर दो वेरिएबल एम नाम के वेरिएबल में। ओके, यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं स्टोर द वैल्यू इन द न्यू वेरिएबल एम। ओके, एंड फोर्थ स्टेप हो गया कि उसे प्रिंट करो, प्रिंट एम, एंड फिफ्थ स्टेप हो गया स्टॉप कर दो उसे। ओके, अब मैंने पांच स्टेप में इसे कम कर दिया, अब खत्म कर दिया। अब मैं चाहूँ इसे ना थ्री स्टेप्स में भी खत्म कर सकता हूँ, मतलब प्रिंटिंग का काम मैं थर्ड स्टेप में भी कर सकता हूँ। एक और चीज, मैंने ये जो कहा है ना कैलकुलेट करो एफ डिवाइड बाय ए, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि डिवाइड एफ, सॉरी एफ, ओके बाय ए, डिवाइड करो एफ को ए से एंड स्टोर कर दो उसे वेरिएबल एम में। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन एल्गोरिथम एग्जांपल जो कि मैंने आपको बना के दिखाई, बाकी ये जो आठ एल्गोरिथम से आपको बुक में मिल जाएंगे। आई होप सारे के सारे मैंने अभी रीचेक नहीं किए। सो विद दिस आपका SLO नंबर 7.2 गेट्स कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बींग कनेक्टेड, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो की जाने मूव कर जाओ। Thank you so much. Bye.